अब तूफान सागर का खतरा राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में। गुरुवार को भी धूल भरी आंधी आई और बारिश हुई, इससे कई पेड़ उखड़ गए और सड़कों पर गिर गए। अगर आपको लग रहा है कि आपके शहर में आंधी तूफान से तबाही का खतरा टल गया है तो जरा होशियार हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में चक्रवाती तूफान सागर को लेकर चेतावनी जारी की है। अभी हाल ही में देश के कई शहरों में तेज आंधी तूफान की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी आई और बारिश हुई, इससे कई पेड़ उखड़ गए और सड़कों पर गिर गए, जिससे कई इलाकों में यातायात भी बाधित हुआ। अब मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में चक्रवाती तूफान सागर की चेतावनी जारी की है। मछुआरों को समुद्र में लौटने की सलाह दी गई है। बताया जा रहा है कि एडन की खाड़ी में ये तूफान उठा है, अगले 12 घंटे में यह भारत की ओर बढ़ेगा। इससे शनिवार और रविवार को पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। चक्रवात के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, उसके आसपास पश्चिमी यूपी में अगले 3 दिनों में आंधी तूफान आने की संभावना है। सागर तूफान के आगे बढ़कर गुजरात में भी प्रवेश करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।